Hey guys, what's up and welcome back to my channel. So in this video I'm gonna share Mcaffeine products review. Guys, मैं आज आप लोगों के साथ में Mcaffeine products का जो भी honest review आप लोगों के साथ में share करने जा रही हूँ. Guys, I'm a coffee lover. I love coffee, guys. आपको coffee पसंद है या नहीं, I don't know, but मैंने सोचा कि Mcaffeine के products हैं ये कॉफ़ी ही बने हुए हैं, सो क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को ट्राई करती हूँ. सो मैं इसका आज आप लोगों के साथ में एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ. गाइस, Mcaffeine के जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे नेचुरल एंड प्योर अरेबिका कॉफ़ी से बने हुए हैं. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, दिस इज Mcaffeine नेकेड एंड रॉ बॉडी लोशन. गाइस, ये बॉडी लोशन जो है विंटर में हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन को मॉइस्चर देता है, सॉफ्ट एंड सफल बनाता है, स्किन को इवन टोन देता है. गाइस, इसका जो इसमें नॉन ग्रीसी है, लाइट वेटेड है. गाइस, एंड आपकी स्किन में जो भी होते हैं हमारी स्किन को जो डैमेज कर देते हैं उसको रिपेयर करने में भी लोशन काफ़ी हेल्पफुल है. सी इसकी बॉटल इस तरीके की है कुछ. एंड गाइस, ये जो लोशन है विंटर में हमारी स्किन पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है. एंड मैंने इसको ट्राई किया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है. जो स्मेल है ये आई लव गाइज स्मेल. गाइज, इसका जो अरोमा है ये इंस्टेंट आपके मूड को चेंज कर देता है. गाइज, एंड इसका बॉटल कुछ इस तरीके का पंप वाला है. सी गाइज, Mcaffeine के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये SLS फ्री होते हैं. एंड जैसे कि आपको दिख रहा होगा FDA अप्रूव्ड होते हैं. एंड यहाँ पे जो आपको एक साइन दिया हुआ है सी ऐसे कैप ओपन वाला, इसका मीनिंग होता है ये जो 6 मंथ तक आप इसे टिल जब ओपन करेंगे तो आप इस बॉटल को 6 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं. गाइस, ये जो Mcaffeine के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें आपको कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ, पैराबिन फ्री होते हैं. गाइस, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है. एंड गाइस, इसको लोशन को मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. सी आई शो यू टू मैं यहाँ पर इसके पंप. गाइज, आई लव द स्मेल. आप अगर सोच रहे हैं कि इसकी स्मेल काफ़ी लाइट है एंड अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कॉफ़ी का फ्रेगनेंस मिलेगा, बट इसमें कॉफ़ी की फ्रेगनेंस काफ़ी लाइट सी है, बहुत लाइट सी इसमें कॉफ़ी की फ्रेगनेंस है. बट इसको अप्लाई करने के बाद लगता है कि मैंने अपने बॉडी पे कोई परफ्यूम अप्लाई किया. एंड आई लव दिस लोशन. गाइज, विंटर में काफ़ी अच्छा है, बट अगर आपको आपकी स्किन थोड़ी ज़्यादा ड्राई है तो आपको इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगे. इसको स्किन में अप्लाई करने के बाद काफ़ी लाइट फील होता है, नॉन ग्रीसी है ये. एंड नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले इसको इजीली अप्लाई कर. और जो बॉटल है दिस इज़ फॉर ₹375 एंड इसका क्वान्टिटी है 200 ml. एंड गाइज, आप एक बार Mcaffeine पर जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑफर ज़रूर मिलेगा. सो मुझे यहाँ पे एक लोशन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मिली है. सो गाइस, आप वहाँ पर एक बार जाके चेक करिएगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इसके साथ में मुझे कॉम्प्लीमेंट्री कि Mcaffeine की पोटली रिसीव हुई है. सो इस पोटली में क्या क्या है आई विल शो इट टू यू गाइस. मुझे ये छोटा सा मिनी Mcaffeine नेकेड एंड बॉडी रॉ बॉडी स्क्रब रिसीव हुआ है. इसे मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक. एंड दिस इज Mcaffeine नेकेड एंड रॉ फेस वॉश. इसको मैंने ट्राई किया है, ये मुझे अच्छा लगा है. छोटू सा सी कितना क्यूट सा छोटू सा इसका पैकेजिंग है. ये ट्रायल है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्री रिसीव हुआ है. एंड लास्ट मुझे रिसीव हुआ है ये Mcaffeine नेकेड कॉफी स्क्रब. सी गाइज, इस स्क्रब को यूज़ करने के बाद मुझे कुछ छोटे आ चुके थे. सी मुझे आप लोग देख सकते हैं इसका मुझे स्कार भी है. एक्चुअली मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए जो स्क्रब है मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ अपने फेस पे. सो जिनकी जिनकी नॉर्मल स्किन है वो लोग स्क्रब को यूज़ कर सकते हैं. स्क्रब इसका काफ़ी अच्छा है. अभी मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ. यहाँ पर मैं नेकेड एंड रॉ फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ गाइस. एंड ये ट्रायल है, बहुत ही कम अमाउंट में ही आपके फेस में अच्छी तरह से अप्लाई हो जाता है. गाइस, ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायल Mcaffeine वालों ने इसलिए भेजा है कि अगर आपको लगता है तो आप इसको आगे इसका बड़ा पैक जो है मंगवा सकते हैं. सो गाइस, मैं इस फेस वॉश को अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी. एंड ये जो फेस वॉश है ये काफ़ी
फेस वॉश को भी नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले अप्लाई कर सकते हैं गाइस। फेस वॉश में कॉफ़ी है तो आपको पता ही होगा कॉफ़ी हमारे स्किन के लिए कितनी अच्छी है हमारी स्किन को। फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया एंड मैं इसी के ऊपर स्क्रब कूल अप्लाई कर लूँगी गाइस। मैं स्क्रब जो है काफ़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में लूँगी बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है एंड मुझे स्क्रब को ज़्यादा मैं से रब नहीं करूँगी बिकॉज रब करने से गाइस मेरे स्किन में पिम्पल्स आ जाते हैं। सो मैं इसे काफ़ी लाइट हैंड से अपने फेस पे स्क्रब करूँगी। सो आप लोग देख सकते हैं इसका इंस्टेंट ग्लो मेरे फेस पे बिकॉज कॉफ़ी जो है गाइस ऑलरेडी हमारे स्किन को काफ़ी हेल्दी एंड जो भी हमारे स्किन में जो भी इम्प्यूरिटीज होती है उसको क्लीन कर देती है गाइस। विंटर के लिए आम कैफिन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी अच्छे हैं। सो बॉडी स्क्रब के लिए मैं जो भी है उसको आपको अपने हैंड्स पे अप्लाई करके इस वाले पोर्शन में मैं सिली नहीं करूँगी बिकॉज मुझे ऑलरेडी यहाँ पे पिंपल्स हो चुके हैं, मुझे कुछ बम्स आ चुके हैं गाइस। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि इसके स्कार्स अभी तक है। सो गाइस मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। गाइस जो बॉडी स्क्रब है बिफोर बाथिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने बॉडी में, अपने हैंड्स में, आपके एल्बोज पे, आपके नीज पे। सो ये स्क्रब जो है ये भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। सो कैसे लगा आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो? अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।